क्लोमेटरी साइन सिग्नल मोड इंजन माल फंक्शन और सीट हाइट के बारे में बात करते हैं सुजुकी एक्स 125 में आपको 75,119 रुपए। आज हम लोग जिस टूलर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सुजुकी एक्सेस 125। लुक्स के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 आपको वही पुराना सा लुक के साथ देखने को मिल जाती है। कलर के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको काफी कलर वेरिएंट देखने को मिल जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्लोसी ग्रे, मेटेलिक रॉयल ब्रॉन्ज, मेटेलिक मैटी ब्लैक, मैटी ब्लू, पीरल मिरेज व्हाइट सिल्वर, मेटेलिक डार्क ग्रीनिश ब्लू और मेटेलिक मैटी बॉडी ऑक्स रेड कलर वेरियंट देखने को मिल जाती है। लाइटिंग्स के बारे में बात करते सुजुकी एक्सेस 125 में आपको फ्रंट में एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैम्प और एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको रियर में एलईडी टेल लैंप के साथ एलईडी इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करते सुजुकी एक्सेस 125 में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टाइम, फ्यूल मीटर, मल्टीफंक्शन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स लाइक कॉल, मैसेज, बैटरी परसेंटेज, नेविगेशन एंड मेनी मोर। और तो और उसी के साथ आपको स्कूटी में लेफ्ट राइट इंडिकेटर, एक्सेलरेटरी साइन सिग्नल मोड, इंजन मालफंक्शन और लो बीम हाई बीम इंडिकेटर लाइट भी देखने को मिल जाती है। हैंडल बार के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 की लेफ्ट हैंडल बार में आपको लो बीम हाई बीम विद पासिंग स्विच, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको राइट हैंडल बार में इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच और इंजन किल स्विच देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको 5 लीटर का मेन फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 1 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। माइलेज के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको 52 लेके 57 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। इंजन के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको 124 सीसी की सिंगल सिलेंडर फोर्स टू एयर कूल्ड BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको 8.7 पीएस की मैक्सिमम पावर और 10 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। गियरबॉक्स के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको ऑटोमेटेड सा गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको 90 से लेकर 92 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन और रियर में आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। टायर साइज के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको फ्रंट में 90x90 सेक्शन की 12 इंचेस वाली ट्यूबलेस टायर और रियर में आपको 90x100 सेक्शन की 10 इंचेस वाली ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक की सुविधा देखने को मिल जाती है और तो और यहाँ पे आपको CBS भी देखने को मिल जाती है। व्हील टाइप के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है और उसी के साथ अगर सीट हाइट के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको 773 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस और कार्बो के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 103 kg की कार्बोरेट भी देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको स्क्वायर शेप एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट गार्ड भी देखने को मिल जाती है। सीट टाइप के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाती है और उसी के साथ अगर सीट कुशनिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको काफी कंफर्टेबल सा सीट कुशनिंग भी देखने को मिल जाती है। और तो और स्कूटी में आपको स्क्वायर शेप मिरर, पिनियन गैबरियल्स, फ्रंट एंड रियर रिफ्लेक्टर्स, अंडर सीट कैरी बैग होल्डर और 21.8 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सेस आपको बहुत सारी वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। फर्स्ट सुजुकी एक्सेस 125 ड्रम विद CVS आपको 87,551 रुपीस की ऑन रोड प्राइसिंग के साथ देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको 75,119 रुपीस की एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ भी देखने को मिल जाती है। सेकेंडली ड्रम विद एलॉय व्हील वाला वेरिएंट आपको 89,471 रुपीस की ऑन रोड प्राइसिंग के साथ देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको 76,812 रुपीस की एक्स शोरूम प्राइसिंग भी देखने को मिल जाती है। थर्डली डिक्स विद CVS आपको 90,423 रुपीस की ऑन रोड और 77,751 रुपीस की एक शोरूम प्राइसिंग के साथ देखने को मिल जाती है। फोर्थ सुजुकी एक्सेस 125 ड्रम वेरिएंट विद एलॉय एंड ब्लूटूथ वाला वेरिएंट आपको 90,307 रुपीस की ऑन रोड प्राइसिंग के साथ देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको 77,886 रुपीस की एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ देखने को मिल जाती है। फिफ्थ सुजुकी एक्स 125 डिक्स विद एलॉय एंड ब्लूटूथ वाला वेरिएंट आपको 91,224 रुपीस की ऑन रोड प्राइस और 78,786 रुपीस की एक शोरूम प्राइसिंग के साथ देखने को मिल जाती है। और लास्टली सुजुकी एक्स 125 डिक्स वर्ग वाला वेरिएंट विद CBS स्पेशल एडिशन आपको 92,139 रुपीस की ऑन रोड और 79,444 रुपीस की एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे।
मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।